हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद है। एक वीडियो थी हमारी कि आप ऑटोमेटिक अपडेट्स को कैसे बंद कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट्स को बंद करने के लिए प्रोसेस तो मैंने बताई थी आपको, उसके बाद उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, कौन से ऑप्शन में जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जाते हैं विंडोज सर्च बार में, इसमें हम लिखते हैं gpedit.msc, इससे आ जाता है एडिट ग्रुप पॉलिसी। इससे क्या होता है, आपने इसी ऑप्शन पे इस पेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगी एडिट ग्रुप पॉलिसी, जिसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन बताया जा रहा है कि आप कैसे इसको ऑफ कर सकते हैं। आप जाएंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर जाते ही आपको यहाँ पर मिलेगा विंडोज कंपोनेंट, जो राइट साइड में ओपन हो जाएगा। राइट साइड में ओपन होने के बाद सबसे नीचे आपको दिखेगा विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट में आपको जाते ही ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब आपको जो स्क्रीन पर दिखाया गया था पहली वीडियो में, उसमें आप जाकर इस ऑप्शन को ऑन करके और उसको विंडोज अपडेट्स को बंद कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो नेट है यानी इंटरनेट जो मोबाइल पर यूज़ किया जाता है वो आपका जो है वो कम यूज़ होगा और आप जितना मर्जी उसके ऊपर इंटरनेट चला सकते हैं। ख़त्म नहीं होगा डाटा आपका। डाटा कब ख़त्म होता है? जब ये विंडोज़ की जो अपडेट्स होती हैं वो आपकी ज़्यादा डाउनलोड हो जाती हैं, और ये 1-2 MB की नहीं होती, ये कई GB की हो सकती हैं, 1 GB, 4 GB, 2 GB, ठीक है। तो आप इनको बंद कर सकते हैं और अपना डाटा जो मोबाइल डाटा है वो खर्च होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।